अल्लाह रहमान रहीम। मैं क्लास 10 बायोलॉजी की ऑयल चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नाम द गैशियस एक्सचेंज। नो सुमर जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म दी दिस असर होते द एनर्जी द एनर्जी दी असर पर बकारी जो के फल लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म की जो का मूवमेंट कई जो मसल का कार कई दवाशान हार्ट बीटिंग शो ब्रेन फंक्शन शो नोट सुमर एक्टिविटीज दी ये टूल अपार से पकारी एनर्जी टूल ऑर्गेनिज्म का द एनर्जी से शो जरूरत पर जमका बंदी द टूल ना रट सोल द एनर्जी से दे सनलाइट है। सनलाइट की लाइट एनर्जी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का लाइट एनर्जी से की कैप्चर की और बदले की केमिकल एनर्जी था दुगम प्रोसेस के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के सनलाइट और क्लोरोफिल को मौजूद की और ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल रह गए मतलब ग्लूकोज रह गए एनिमल्स और दी प्लांट बंदी फीडिंग होती द ओपरे द एनर्जी द एनिमल्स बॉडी द एनर्जी द एनिमल पे सके रिस्पायरेशन के दूसरी रिस्पायरेशन के पदे के एनर्जी पैदा की द एनर्जी दूर मुख्य एक्टिविटीज पर सके इस्तेमाल है द प्लांट सिकमा फॉरक रोक को दी की दूसरा सजन ला इस्तेमाल की पलम को जरूरत है एनर्जी का कम एक्स्ट्रा दे और दो स्टोर के कंप्लीट पार्ट्स के नो यो कॉमन क्वेश्चन दे अक्सर बोर्ड एग्जाम के दारा जी गैसियस एक्सचेंज रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के सफर होते हैं उदाहरण आंसर भी इंशाल्लाह मिलता था मिला हुई गैसियस एक्सचेंज यो बायोलॉजिकल प्रोसेस दे द लिविंग ऑर्गेनिज्म द एनवायरमेंट ने कम गैस असली और कम गैस वाला रिलीज के वर्क है वाला गैसियस एक्सचेंज जो लेकी द एनवायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्मेंस की द गैसों तबादला द डी स्वैपिंग द डी मार्चा द डी एक्सचेंज द डी प्रोसेस से लेकी गैसियस एक्सचेंज लिविंग ऑर्गेनिज्म कल कार्बन डाइऑक्साइड द एनवायरमेंट ना अखली और कल वाला कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज के खासकर प्लांट चली तो इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट वीडियो ग्रुप पे डिटेल से डिस्कस करो दर्शन दी दो दे ऑक्सीजन अखले और कलो ऑक्सीजन वर्क है द प्राइस पकम तरह की द सिंपल डिफ्यूजन माने डिफ्यूजन दोस्तों मालूम है जे द मॉलिक्यूल मूवमेंट है द हायर कंसंट्रेशन ना लोअर कंसंट्रेशन था अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट सही शो वेरी डिफ्यूजन प्रोसेस बने दो सके गैसियस एक्सचेंज के द गैसियस एक्सचेंज के द प्लांट द पारम इस्तेमाल होगी और द एनिमल द पारम हम दोनों पर से कॉमन वर्ड इस्तेमाल होगी द प्लांट द पारम और द एनिमल द पारम हम बेम दे ब्रीथिंग ब्रीथिंग बायो मैकेनिकल या बायो फिजिकल प्रोसेस ने पदि ब्रीथिंग के लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन बॉडी का दंद बूजी और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट का खारिज है उदाहरण का बायोफिजिकल ले या बायोमैकेनिकल ले चीज़ पर खास फोर्स बन की नो पर इंस्पायरेशन पर टाइम के द रिब्स और डायफ्राम द मुख्तलिफ शेप्स अपना वही पदे कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की उसका दस शो बायोफिजिकल या बायोमैकेनिकल प्रोसेस हो वह हायर एनिमल्स के ब्रीथिंग को सब बांध दिखेगी वह लंग्स बांध वह फुफ्फुसान बांध दिए और वो फिशेस के रिस्पायरेशन दोबारा गिल्स इस्तेमाल होगी ब्रीथिंग पद्वा मेन फेजेस की पद्वा स्टेप्स की ओनली स्टेप तो लिखेगी इनहेलेशन तो लिखेगी इनहेलेशन ये तो इंस्पायरेशन हूँ वेलेशन बदी की एयर ऑक्सीजन बॉडी का दहन नजदीक और दूसरी स्टेप पर किसने एक्सहेलेशन ये तो एक्सपायरेशन हूँ वे लिखी बदी की कार्बन डाइऑक्साइड से की रिलीज की गैसियस एक्सचेंज ऑफ ब्रीथिंग की तरफ हो कि ब्रीथिंग खासकर द एनिमल द पर राजी जा पर द एनिमल द पर हो गैसियस एक्सचेंज द एनिमल प्लांट दोनों पर इस्तेमाल होगी और बल बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दम देशी दंद ऑक्सीजन बाहर दम देशी दंद और प्लांट के बड़े और बनाइट के मुख्तलिफ और बदे की ऑक्सीजन बढ़े तो दंद जी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तरीके से
नंबर दे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन यो बायोकेमिकल प्रोसेस दे। बायोकेमिकल जब दी की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन की गई है जब के रिलीज की नो द डेफिनेशन तो स्टोल द मालूम है जदा यो रिडॉक्स रिएक्शन दे। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दे। जब दी फूड मॉलिक्यूल और द फूड मॉलिक्यूल सो की जी द ग्लूकोज C6H12O6 द ग्लूकोज माती की और एनर्जी बगी से की रिलीज की वो एनर्जी से बाबा हम की रिलीज की द एटीपीज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट द दी बाबा हम की एनर्जी रिलीज की और सेल लाजन में द मुख्तलिफ कारों का इस्तेमाल है। सेलुलर रिस्पायरेशन के बाय प्रोडक्ट सोप है। बाय प्रोडक्ट चिकम प्रोडक्ट वेस्ट है चिकम पैदा की नो द बाकी कार्बन डाइऑक्साइड दे रिस्पायरेशन की पैदा की ना क्लास 9 की दस हुई तो देखिए रॉ मटेरियल सोखते हैं। रॉ मटेरियल जिकम पकारी दी सेलुलर रिस्पायरेशन द बारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन पकारी बल खबर वैसे आते हैं रिस्पायरेशन द ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दे दो वहां वहां रिस्पायरेशन के या फिर एरोबिक या बस के इन एरोबिक रिस्पायरेशन द जैसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो तुम फर्स्ट लेक्चर के लो कि लाइफ से तो लगेगी लाइफ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक द डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग और अल्ट्रिक मैगन कॉल मिस्टर जेंस बचा अगर वीडियो नहीं कहते अगर वो रहने बारे के पहले ये और बनने सारा था रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन द टू लिविंग ऑर्गेनिज्म द पारा बेसिक खसूसियत है। नंदा ड्रीम डिस्कस कर गैसेस एक्सचेंज के द एनवायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में से कम टू गैसेस तबादले की द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ वेम ब्रीथिंग बदी की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर की और थर्ड नंबर रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन कम टू सेलुलर लेवल की सेल के देने की अदर स्टेप्स को असो क्लास 9 के लो क्रिप्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नो द असो बायोकेमिकल प्रोसेस इंशाल्लाह कोई अशे भाई प्लस की जत स्टूल दा यू रिक्वेस्ट को जिला चैनल अपल मगरो सरा अपल क्लासमेट सरा और स्टूडेंट सरा शेयर करें आओ बहुत फायदे की है उस मुंगा थैंक यू।